पूरे देश में मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया है, सर जमीन पर उसको उतारा नहीं गया है, इसलिए वो आंदोलन है। और जो जातीय जनगणना, जातीय जनगणना हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने संसद में इस मामले को बहुत पहले उठाया था और विधानसभा से हमारे सामने दो दो बार प्रस्ताव गया है केंद्र सरकार को जातीय जनगणना को कराने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार मुकर रही है। तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बार जो सदन चला जातीय जनगणना के मामले को काफी जोर शोर से विधानसभा में उठाने का काम किया और राज्य सरकार से कहा कि आपके ही नेतृत्व में सही हम चलना चाहते हैं, आप प्रतिनिधिमंडल आप ही लीड कीजिए, हम चलेंगे और मांगी प्रधानमंत्री से समय लेकर और जातीय जनगणना को पूरे देश में कराना चाहिए और जातीय जनगणना बिहार में होना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं जातीय जनगणना, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो कर्नाटक के तर्ज पर आप भी बिहार में जातीय जनगणना कराइए अपने खर्च से। तो माननीय मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव नेता दिग्विजय दल के नेतृत्व में मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा कार्यक्रम है, दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, होने के बाद फिर हम आएंगे तो आपको खोजेंगे। देखा है पेपर में तो समय मांगने का काम किया है, समय मांगेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे और जातीय जनगणना के सवाल पर राज्य सरकार भी हमारे सवाल के साथ है।